अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तारिक कादी है और बेसिकली आई एम ए ईएनटी स्पेशलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्वालिफाइड इन, मैंने एमबीबीएस 1980 में किया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और जीना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ जीना हॉस्पिटल कराची, और वहाँ पर 4-5 साल मैंने अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर जलीसी काम किया है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एमबीबीएस के बाद हाउस जॉब तो जैसे कि रूटीन है कि सबको करना पड़ता है, वो करने के बाद और रेजिडेंसी मैंने स्टार्ट की फॉर 5 ईयर, और उसके बाद मैं अपेयर हुआ अपने एग्ज़ाम्स में और सम टाइम इन 1985 आई पास माई एग्ज़ाम, और सिंस देन आई एम वर्किंग एज अ ईएनटी स्पेशलिस्ट। मैं सऊदी अरब चला गया और किंग फहद हॉस्पिटल हुफूफ एक सिटी है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर रहते ईएनटी स्पेशलिस्ट मैंने काम किया अबाउट 7 ईयर्स, और उसके बाद वापस मैं आ गया पाकिस्तान, और आने के बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस एज ए ईएनटी कंसल्टेंट मैंने शुरू कर दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट स्टैंड फॉर ईएनटी। ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज एंड टी फॉर थ्रोट। इसको हम अपने उसमें मेडिकल ओटोलैरिंगोलॉजी भी बोलते हैं, और इसके इस प्रैक्टिस के अंदर जो हमारे पास हर टाइप के बच्चे भी हैं, एडल्ट भी हैं, लेडीज जेंट्स सब आते हैं फॉर डिफरेंट ईएनटी प्रॉब्लम्स। आपको शॉर्ट समय बताऊंगा कि रिगार्डिंग ईयर या कान के बारे में बताऊंगा कि कान के जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम मोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, सबसे पहले जो पेशेंट आता है ईयर एक या ईयर पेन के साथ आता है, और जिसे एमरजेंसी तो इसके लिए हमें ट्रीट करना पड़ता है पेशेंट को। ईयर के जो ईयर बंद हो जाता है उसके वजह से पेशेंट आते हैं। थर्ड चीज़ है कि वो एक डिजीनेस है, डिजीनेस और इम्बैलेंस और लैक ऑफ बैलेंस भी जिसको कहते हैं या वर्टिगो भी बोलते हैं, उसके लिए भी पेशेंट आते हैं कि इसमें पेशेंट को चक्कर आ रहे होते हैं, चक्कर की वजह से पेशेंट हमारे पास आते हैं टू ट्रीट देम। कुछ लोगों को डेवलप होता है टिनाइटिस या रिंगिंग इन द ईयर, कान के अंदर आवाज़ें आ रही होती हैं, उसके लिए आते हैं मोस्टली, जो कॉमन चीज़ें हैं। उसके अलावा जो दूसरे और प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़रा सा रेगुलर जो प्रैक्टिस के अंदर वो इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं आते, जो कि क्रॉनिक प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि डिस्चार्ज जाना है, डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। कुछ पेशेंट आते हैं नेजल प्रॉब्लम या नोज़ के प्रॉब्लम के साथ, इनमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है नेजल ब्लॉकेज, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल नाक बंद है उनकी। दूसरी चीज़ है कि उसमें पेशेंट आते हैं कि एलर्जिक प्रॉब्लम के साथ, के डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, एलर्जी के साथ आती हैं टू ट्रीट, जैसे कि स्नीजिंग हो रही है, छींकें आ रही हैं, नाक ब्लॉक हो रही है, नाक बह रही है, ये इस एलर्जिक प्रॉब्लम ये वाले हैं। तीसरी चीज़ आती है कि नाक के से ब्लीडिंग वगैरह, एपिस्टेक्सिस वगैरह जो होती है, चोट लग गई किसी एनी रीज़न से, कान से खून, नाक से खून वगैरह आ रहा है, उसके लिए आ सकते हैं। थ्रोट में अगर मैं जाऊँगा, हलक में जो है सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम जो है स्पेशली इन चिल्ड्रन बच्चों में, वो है कि हलक, गले में दर्द होना, सीवियर पेन के साथ आएगा बच्चा, और उसमें सीवियर पेन में भी बहुत सारे वजूहत हैं, या तो टॉन्सिल थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें टॉन्सिल्स है, टंग का प्रॉब्लम हो सकता है, गले का जो दूसरे कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए आते हैं पेशेंट मोस्टली, तो इनको हम ट्रीट करते हैं। और थ्रोट में ये है कि जैसे नोज में, थ्रोट में, ईयर में, कि अगर ये रिस्पॉन्ड ना करे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव का मतलब है कि नॉर्मल मेडिकेशन से अगर ट्रीटमेंट ना करे तो वी देन गो फॉर सर्जरी, तो उसमें रेस्पेक्टिव सर्जरी है उन फील्ड की, वो हम करते हैं। टिनाइटिस एक आम जबान में आप कह लेंगे कान में शोर होना या रिंगिंग होना या बैल बजना कान पे, डिफरेंट टाइप की नॉइजेस होती हैं, तो ये मोस्टली अगर हम देखें जो एडल्ट पेशेंट ज़्यादा होते हैं टिनाइटिस में, बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो क्या रहा है। एडल्ट पेशेंट आते हैं तो मोस्ट कॉमन जिसमें हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जो ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा होता है वो पेशेंट्स आते हैं टिनाइटिस हो रहा है। उसके अलावा कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया। अब कान के अंदर एक और भी मैं बता दूं कि कान के 3 पोर्शंस होते हैं कान में, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इनर ईयर, तो ये इनर ईयर के कान के अंदर जो अगर प्रॉब्लम होगा तो ये मोस्टली जो है टिनाइटिस वगैरह उसके वजह से भी हो सकता है। दो, बाहर भी अगर कोई ब्लॉकेज हो, कान अगर बंद हो जाए या उसके अंदर भी कान बंद हो जाता है, इवन ये मोस्ट कॉमन कॉज कान का ये है कि वैक्स जमा है बहुत सारा, तो वैक्स है या कान में मैल बोलते हैं, वो भी टिनाइटिस दे सकता है आपको। सिम्टम्स ये होगा कि एक तो इम्बैलेंस होगा कि भाई जो कमरा जो है घूम रहा है मेरी नज़रों के सामने। दूसरा ये 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 दो टाइप की, एक तो सब्जेक्टिव फीलिंग है, उसकी अपनी फीलिंग होगी, और एक होगा कि ये सराउंडिंग घूम रही है उसकी,
तो घूम रही है। दूसरा ये होगा अगर सीवियर केस में या एक्यूट केस के अंदर जो है उसकी सिम्टम एनहांस कर जाएगी और उसको इसके साथ जो है ना वो वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है इन सीवियर केसेस। अब हम लोग एक्चुअली कैटेगराइज करते हैं कि जैसा कि मोस्टली गला बच्चों में छोटे बच्चों में अगर ख़राब हो रहा है तो डिफरेंट फैक्टर्स उसके हैं और उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो है टॉन्सिल्स इन्फेक्शन। टॉन्सिल इन्फेक्शन में क्या अगर इसको साल में 4-5-6 दफ़ा अगर अटैक होता है बच्चे को तो देन वी रिकमेंड हिम फॉर टॉन्सिलेक्टमी, ये टॉन्सिल को निकलवा देना, ये ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं। टॉन्सिल नहीं, उसके अलावा और भी कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डील करते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो टॉन्सिल इन्फेक्शन है जो कि सर्जरी के लिए हम वो रिकमेंड करते हैं। बिफोर गोइंग फॉर एनी सर्जरी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मेडिकेशन वगैरह देकर हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 5-6-7 अटैक अगर होता है साल भर में तो उस वक्त हम सर्जरी को रिकमेंड करते हैं और उसको पेशेंट का जैसा और बहुत सारे मतलब इनके अंदर वो हैं कि हम डायरेक्टली जो है पेशेंट को देखते हैं, हम नहीं कहेंगे कि आप पेशेंट को सर्जरी करवाना है। ये सब चीज़ करने के बाद फिर कुछ टेस्ट वगैरह होता है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ASO टाइटर, हम इसको बोलते हैं, ब्लड में देखते हैं कि ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O टाइटर होता है, ये अगर उसके अंदर बढ़ा हुआ है तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी के लिए, बिकॉज इट इफेक्ट्स हार्ट और हार्ट में इफेक्ट कर सकता है। ये मेजरी जो है रेगुलर, एक तो रेगुलर सर्जरीज जो होती हैं जो कि आम जो पेशेंट्स आते हैं उसमें थ्रोट इन्फेक्शन में बच्चों के लिए तो टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। उसके अलावा हम एडिनोइड्स है, ये नाक के पीछे एक नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल्स बोलते हैं, नाक के बैक साइड में होता है, ये छोटे बच्चों में होता है आमतौर पर, तो उसको हम निकाल देते हैं। ये जो सबसे बड़ा कॉज जो होता है एडिनोइड निकालने का वो है कि ये स्नोरिंग वगैरह बच्चे में होती है, बच्चा मुँह खोल के सांस लेता है और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर वो ना निकाला जाए, बच्चे का मेंटल IQ भी कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजनेशन बच्चे की प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कि एडिनोइड्स को भी निकाल दिया जाए। इस होता है उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो बच्चों का मैं बता रहा हूँ कि बच्चों में जो स्नोरिंग वगैरह जो होती है इसमें कॉज जो है एक तो नाक के पीछे जो गोश्त होता है एडिनोइड्स बोलते हैं वो हो सकता है, एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स इटसेल्फ इट कॉजेस स्नोरिंग। उसके अलावा एडल्ट्स में अगर हम आ जाते हैं तो एडल्ट्स में सबसे पहले ये है कि जो मोस्टली जो ओबीस पेशेंट होते हैं तो उनमें चूँकि स्वेलिंग हो जाती है ग्लैंड की वो कॉज करते हैं। उसके अलावा अगर नेजल में DNS या नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना या नाक के अंदर गोश्त होता है टर्बिनेट्स बोलते हैं वो बढ़ जाना वो हो सकता है और डिफरेंट और भी इसके अंदर कॉजेज हैं इसके स्टोरिंग के, तो इसके लिए भी अगर सही नहीं होता सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को रिड्यूस करने के लिए वेट रिड्यूस करना। उसके अलावा दूसरे नेजल फैक्टर है, अगर नाक में अगर DNS वगैरह ग्रॉस किस्म का कोई है, नेजल ब्लॉकेज है, नाक के अंदर जो एलर्जिक गोश वगैरह बढ़ जाना नाक के अंदर जो होता है वो हम निकाल, पॉलिप्स बोलते हैं उसको, वो हम निकाल देते हैं। और उसके बाद भी अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करे और स्वेलिंग ठीक ठाक रहे तो उसके फिर एडवाइस करते हैं कि एक ज़रा एक बड़ा लंबा से टर्म्स है यूवेलो पैलेटोप्लास्टी, हम उसको ले करते हैं पेशेंट को, तो काफ़ी चीज़ें उसको निकालना पड़ती हैं। सबसे पहला बच्चों को हम जो एडवाइस जो मैं एडवाइस करता हूँ आमतौर पे कि बच्चे हैं तो हमारे यहाँ जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो फास्ट फूड भी ले रहे हैं, फास्ट फूड इटसेल्फ तो कॉज नहीं करता लेकिन फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स साथ में आ जाती है साथ में वो कॉज करते हैं। फिर आजकल हमारे यहाँ बहुत देखा गया है कि ये जो स्कूलों के बाहर छोटे स्कूल हैं उनके बाहर जो है वो पापड़ वाले आ गए, वो पापड़ खा रहे हैं और वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, फिर सोडा या ये जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, ये इटसेल्फ कॉज कर सकता है। फिर जो भी चीज़ मिल गया बच्चा है वो कुछ भी खा लेगा तो वो जो है इटसेल्फ जाकर इन्फेक्शन करेगा और इसको प्रॉब्लम देगा थ्रोट का। इसी तरह नेदर प्रॉब्लम है, नेदर प्रॉब्लम भी इसी तरह होंगे, बच्चे जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन होता है, कोई एपिडेमिक है, फ्लू हो रहा है किसी को या नेदर एलर्जी है या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन वगैरह है, बच्चे माइंड नहीं करते टू बिक्स अप, तो ये एक से दूसरे को क्रॉस इन्फेक्शन में ट्रांसफ़र होकर बच्चे में आ जाता है। तो बच्चों को अब समझाया जाए कि अवॉइड करें कि इस तरह मिलना, और ऑफकोर्स अगर कोई खाना खा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो हाथ पर धो के खाएं, जो बहुत डिफिकल्ट है बच्चों को समझाना, लेकिन ये एडवाइस करना चाहिए माओं को।